पीरियड्स महिला में हर महीने होने वाली एक सामान्य सी प्रक्रिया जिसके बारे में बात करने से महिला शर्माती है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए ही चलो आज समझते हैं पीरियड्स और ओव्यूलेशन के बारे में। देखिए, जब एक लड़की जन्म लेती है तब लड़की की ओवरीज में लाखों की संख्या में इनएक्टिव अंडे होते हैं। ये अंडे जब एक्टिव होते हैं जब एक लड़की प्यूबर्टी एज में एंटर होती है। वैसे तो हर लड़की का प्यूबर्टी टाइम अलग अलग एज में आता है, लेकिन जनरली लड़कियों में प्यूबर्टी टाइम 10 से 14 साल की उम्र में आ जाता है और लगभग हर लड़की को पहला पीरियड उसके ब्रेस्ट ग्रोथ के 2 साल बाद आता है। खैर, पीरियड आने की शुरुआत होती है लड़कियों के दिमाग से। ब्रेन में पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की वजह से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, पहला है FSH और दूसरा है LH। इन दोनों हार्मोन की वजह से ओवरी में एक फॉलिकल मैच्योर होता है और इसी फॉलिकल में महिला का अंडा होता है। खैर, जब ये फॉलिकल मैच्योर होता है तब इस फॉलिकल में से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से महिला की बच्चेदानी की दीवार, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो मोटी होने लगती है और अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। पीरियड स्टार्ट होने के बाद लगभग 14th डे वाले दिन अंडा फॉलिकल में से बाहर आ जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन डे वाले दिन बॉडी में हार्मोन्स के हाई लेवल्स की वजह से फीमेल्स को संबंध बनाने की इच्छा भी बढ़ जाती है और ओवरी से निकलकर अंडा फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और अगर फेलोपियन ट्यूब में मेल स्पर्म होते हैं तो एग फर्टिलाइज हो जाता है और एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है। एम्ब्रियो फिर नीचे यूट्रस की तरफ जाता है और एंडोमेट्रियम में अपनी जगह बनाने के बाद चिपक जाता है, यानी इम्प्लांट हो जाता है। और दोस्तों, इम्प्लांटेशन के बाद ही एक फीमेल प्रेग्नेंट कहलाती है और इम्प्लांटेशन के बाद फीमेल को पीरियड्स भी आना बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर फीमेल का अंडा स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं होता तो एंडोमेट्रियम पर जो कोशिकाएं बनी थी उनका कोई काम नहीं रह जाता, इसलिए ही ये कोशिकाएं बाहर आ जाती है और इसे ही हम हर महीने आने वाले पीरियड्स कहते हैं।